बस्टर डोगलास। बस्टर डोगलास एक आम सा बॉक्सर था, लेकिन बहुत सारी परेशानियां उसको फेस करना पड़ रही थी। उसकी बीवी एक शदीद बीमारी में मुबतला थी, उसे खुद को शराब नोशी की लत लग चुकी थी। उसकी फाइट से पहले उसकी मां की डेथ हो गई। जब ये सब हो रहा था तो उसका मुकाबला माइक टायसन से था। इतनी परेशानियों के बावजूद उसे उस शख्स को फेस करना था जो उस वक्त बॉक्सिंग का किंग माना जाता था, जो 37 लड़ाई नाकाबले शिकस्त था। वो वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन था, जो पहले राउंड में ऐसा पंच मारता था कि खिलाड़ी दूसरी बार उसके सामने खड़ा होने से डरते थे। और उसका सामना करना था बैस्टर ने, जो घरेलू परेशानियों में गिरा हुआ था, लेकिन लड़ाई तो उसे लड़नी ही थी। वो मैदान में उतरा, माइक टायसन ने उसे 8 राउंड तक उठने नहीं दिया और वार पे वार करता गया। 8वें राउंड में जब बैस्टर डॉगलस नीचे गिरा तो सब यही सोच रहे थे कि मैच खत्म हो गया है, क्योंकि माइक टायसन के नॉकआउट से बहुत कम ही उठ पाते थे और बैस्टर डॉगलस तो था ही एक नॉर्मल बॉक्सर। लड़ाई जारी थी, टायसन उसे तबाह करने जा रहा था। लोग बैस्टर डॉगलस को हारते हुए देखना चाहते थे, हर कोई उसे जमीन पर देखना चाहता था कि टायसन उसे जल्दी से हरा दे। जब वो जमीन पे गिरा तो सब यही सोच रहे थे कि वो मैच हार गया है, वो हार मान चुका है। लेकिन उसके पास दोबारा उठने की वजह थी, उसकी माँ की याद, जो 2 दिन पहले मर चुकी थी, जिसके लिए वो जद्दोजहद करता आ रहा था, क्योंकि उसकी माँ उसको जीतता हुआ देखना चाहती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ चुका था, जब वो गिरता तो उसके पास आगे बढ़ने की पहले जैसी तवानाई नहीं थी, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये ऐसा वक्त होता है जब आप हार मान जाते हैं, आप अपने ख्वाबों को तर्क करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त लोग आपके साथ हों या ना हों, हिम्मत आपको अकेले ही करना पड़ती है। जब तुम अंदर से टूट चुके होते हो तब तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, या हार मान जाओ या मुश्किल से लड़ जाओ। बैस्टर डॉगलस के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो जमीन पे पड़ा रहता या फिर हिम्मत करके टायसन के हमलों का सामना करता। 10वां राउंड बैस्टर ने जवाबन हमला किया, दाएं बाएं बाएं दाएं उसने माइक पर घूंसों की बारिश कर दी। बैस्टर डॉगलस के हवाब माइक टायसन के हमलों और ताकत से कहीं बड़े थे। माइक टायसन जमीन पे गिरा और दोबारा बैस्टर के सामने खड़ा ना हो सका। वो शिकस्त तस्लीम कर ली और बैस्टर को फतह हासिल हुई। वो अपनी माँ के लिए लड़ रहा था, उसने अपनी माँ का ख्वाब पूरा किया, जिस पर उसे यकीन था कि वो जीतेगा, इसलिए हार नहीं मान रहा था। इसलिए हालात जैसे भी हों, लेकिन अपने ख्वाब तक मत करो। लोग आप पर तरस खाएं ये कहना छोड़ दो, आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई मदद नहीं करेगा। लड़ना हमेशा अकेले ही पड़ता है, आपके लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। मैदान में गिरकर आपको अकेले ही उठना होता है। आप में हिम्मत है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। उठो और अपने ख्वाब, अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने में लग जाओ। तुम्हें सिर्फ कोशिश और हिम्मत करनी है, कामयाबी अल्लाह देगा।